हेलो फ्रेंड, मैं शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिजाइनपुर में। आज मैं आपके साथ एक बैक ब्लाउज डिजाइन शेयर करने जा रही हूँ। इसकी लंबाई 13.5 इंच रखी है, चौड़ाई 10 इंच है। शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच है, आर्म होल की भी 5.5 इंच रखे। गले की चौड़ाई 2.7 इंच, 2.5 इंच और 2 लाइन एक्स्ट्रा लेना है। 3 इंच की चौड़ाई नीचे की साइड रख रहे हैं, 3 इंच दोनों मार्किंग को बराबर करते एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। गले की लेंथ लेंगे तो गले की लंबाई मैं 10 इंच रख रही हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना डीप इंच चाहते हैं उतना ले सकते हैं। 1 इंच का कॉर्नर से एक मार्क करेंगे और राउंड नेक की मार्किंग कर देंगे। ये मार्क हो चुका है, सेम इसकी कटिंग कर देंगे। ये मैंने अस्तर की कटिंग कर दी है। इसके साथ में ब्लाउज का मेन फैब्रिक लेंगे और इसकी भी कटिंग इसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने अभी अस्तर का किया है। तो इक्वली दोनों गलों को मैंने कटिंग अच्छे से कर दिया है। अब दोनों को देखिए बराबर रख दिए। इसके गले की भी स्टिचिंग करेंगे, अस्तर और फैब्रिक दोनों को बराबर रखते हुए सिलाई लगा के अच्छे से पूरे गले की स्टिचिंग कर लेते हैं। कि मैंने दोनों पार्ट को अटैच कर दिया है। अब दोनों पे छोटे छोटे कट लगा देंगे गले पे। इससे कट लगाने से गले को पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन बिल्कुल बराबर में आएगी। मैंने पूरे गले पे कट लगाने के बाद इसको देखिए पलट कर सीधा कर दिया। अब इसको हाथों थोड़ा बराबर में प्रेस कर दीजिएगा, फिर इसके गले पे एक सिलाई लगा तो इसकी पूरी फिनिशिंग की स्टिचिंग कर देंगे। इससे डिज़ाइन जो है गले की उभर कर दिखने लगेगी। तो फिनिशिंग की स्टिचिंग कम्प्लीटली हो चुकी है। अब ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर रखिएगा और साइड साइड से सिलाई लगाते हुए दोनों पार्ट को एक दूसरे के साथ में अटैच कर देंगे। तो मैंने दोनों साइड से फिनिशिंग की स्टिचिंग कर दिया। नीचे के साइड इसके टक्स लगाएंगे तो बराबर माप ले लेते हैं इक्वली, और इक्वली दोनों साइड से ही बराबर में ही टक्स को स्टिच करना है। तो एक साइड से टक्स स्टिच कर लिया है, दूसरे साइड से भी इसी तरीके से टक्स को स्टिच कर देंगे। यहाँ से भी अच्छे से फोल्ड करके टक्स की स्टिचिंग कर लेते हैं। अब नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए मैं अलग से फैब्रिक यूज़ करूँगी इसमें। तो अस्तर का मैंने ये पट्टी कट कर लिया है, इसको नीचे के साइड से गले के बिल्कुल बराबर में पहले अटैच कर देंगे ब्लाउज के साथ में ही। ये मैंने अटैच कर दिया, इसको फैलाएंगे, इसके ऊपर से एक सिलाई लगाते तो इसकी पूरी फिनिशिंग की स्टिचिंग कर देंगे। अब जो ये पट्टी मैंने ज्वाइंट की, इसको डबल फोल्ड करके ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट कर देंगे और सिलाई लगाते हुए अच्छे से इसको पूरा स्टिच कर लेंगे। ये नीचे का बॉर्डर देखिए कम्प्लीटली बन चुका है। अब इसके गले पे डिज़ाइन करके दिखाएंगे। तो चलिए ब्लाउज को साइड रखते हैं, तो आपको इसके गले पे डिज़ाइन दिखाते हैं। तो डिज़ाइन करने के लिए मैंने ये बकरम ले लिया है, इसको पेपर पेस्टिंग भी बोलते हैं। इसको डबल फोल्ड करके रखा है, इसके ऊपर ब्लाउज को भी इसी तरीके से डबल फोल्ड करके रख देंगे। गले के बराबर में एक मार्क कर देंगे इसके ऊपर। अब 2 इंच एक्स्ट्रा एक मार्किंग करेंगे इसके ऊपर, तो 2 इंच के बराबर पूरा मार्क ले लीजिएगा। 2 इंच से 1 पॉइंट कम ही रहेगा, उसी बराबर में इसको पूरा मार्क कर दीजिएगा। जी मैंने देखिए इस पर पूरा मार्किंग कर दिया है। जो जो मार्किंग किया है, ये जो मैंने छोटी छोटी मार्किंग की, इसको लाइन में ड्रॉ कर देंगे और दोनों मार्किंग के जगह से इसकी कटिंग कर देते हैं। मैंने परफेक्ट तरीके से बकरम की कटिंग कर दी है पेपर पेस्टिंग की। इसके साथ में फैब्रिक यूज़ करेंगे तो मैं गोल्डन कलर की ये फैब्रिक यूज़ करूँगी। इसके बराबर में ही फैब्रिक को भी कट कर देंगे। ये फैब्रिक मैंने कट कर दिया है, बीच से भी कटिंग करके निकाल देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक और दोनों को इक्वली रख लेंगे और इसकी सिलाई लगा के स्टिचिंग करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे आयरन कर सकते हैं। आयरन करने से भी ये पेपर पेस्टिंग एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आयरन करने के बाद ये चिपक जाता है कपड़ों के साथ में। तो मैंने देखिए पहले इसको सिलाई लगा के फिर आयरन कर दिया है। इसको साइड रखेंगे और मैंने ये पट्टी ली है। पट्टी की चौड़ाई 1.6 इंच रखी है। इसको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे, बीच में बराबर में फोल्ड करके सिलाई लगा के साइड से एंड तक इसी तरीके से इसकी पूरी स्टिचिंग कर देंगे फोल्डिंग करते हुए।
ये पट्टी एक साइड से मैंने स्टिच कर ली है, दूसरे साइड से भी इसकी सिलाई लगा के इसी तरीके से पूरा स्टिच कर देंगे। ये पट्टी मैंने बना लिया है पूरा सिलाई लगा के दोनों साइड से, इसके दोनों साइड से पहले कटिंग कर दीजिएगा, इससे एक्स्ट्रा फैब्रिक जो छोटे मोटे इधर उधर करेंगे और छेड़ कट के होकर निकल जाएगी। अब इसको हम 1.6 इंच की लेंथ पे इसकी कटिंग करेंगे, तो 1.6 इंच डेढ़ इंच के बाद एक लाइन एक्स्ट्रा लेके फिर फोल्डिंग कर लीजिएगा। उसकी बराबर में सारी पट्टियाँ हैं, इनको दोनों साइड से कटिंग करते हुए कट अलग अलग पार्ट में कर लेंगे। ये देख लीजिए अब सारी कट चुके हैं लूप्स, इनको साइड रखेंगे। और अब मैंने ये बकरम वाला डिज़ाइन ले लिया है, इसके ऊपर देखिए इसको डबल फोल्ड करके इस तरीके से और फिर रखेंगे और सिलाई लगा के इसको अटैच कर देंगे डिज़ाइन के साथ में। बीच में देखिए गैपिंग भी मैं रख रही हूँ, इसी तरीके से गैपिंग रखते आपको डिज़ाइन को अटैच करना है इसके ऊपर। ये पूरे डिज़ाइनों को मैंने इस पर अटैच कर दिया है, जितना डिज़ाइन इस पर इस साइड से अटैच हुआ सेम उसी इतनी ही डिज़ाइन दूसरे साइड से और इसके जस्ट बराबर में अटैच होंगी, जिससे डिज़ाइन एक दूसरे के बराबर में होनी चाहिए। देख रहे हैं वीडियो में इस तरीके से बराबर रखते हुए फिर डिज़ाइनों को अटैच करना है इसके ऊपर। ये देख लीजिए कम्प्लीटली पूरा बन चुका है ये। आप इसको साइड रख के ब्लाउज लेंगे, ब्लाउज गले पे डिज़ाइन को दोनों को बराबर में इक्वली रख लेंगे और सिलाई लगा के ब्लाउज के साथ में डिज़ाइन को स्टिच कर देंगे। एक साइड से स्टिच कर लिया है, दूसरे साइड से इसी तरीके से सिलाई लगा के स्टिच कर देते हैं। अब डिज़ाइन को स्टिच करने के बाद इसकी डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेट करने के लिए मैंने ये लेस लिया, लेस को भी जहाँ से डिज़ाइन को अटैच किया सेम उसी जगह से लेस को भी अच्छे से रखते हुए स्टिच कर लीजिएगा। एक साइड से कर दिया है, दूसरे साइड से इसी तरीके से कर देंगे। दोनों साइड से लेस अटैच करने के बाद अब जो लुक्स बनाई है इसकी डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए मैंने ये डोरी ले ली है, मार्केट वाली डोरी मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर चाहे तो बना के भी डोरी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप बना के यूज़ कर रहे हैं तो आप पिंक कलर की डोरी बना के यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा अच्छी लगेगी डिज़ाइन में। तो मार्केट की डोरी देखिए इसको किस तरीके से डाल रही हूँ, इसी तरीके से आपको पूरा अच्छे से जितनी भी लुक्स बनी है सब में डोरियों की बुनाई कर लेनी है। तो पूरी अच्छे से मैंने डोरी की बुनाई कर ली है, देख लीजिए मेरी ब्लाउज डिज़ाइन। अब मैंने ये कुछ फैब्रिक स्क्वायर में कट के इनकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच के बराबर में इसको इस तरीके से एक साइड से राउंड में कट कर देंगे। ये फैब्रिक क्रॉसिंग में था, सॉरी स्क्वायर में था, आपको समझ में आया होगा। अब ये लुप्स ले लिया है, जो लुप्स ये बनाए थे वही लुप्स हैं। इनको इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए इस फैब्रिक के नीचे के साइड से अटैच करेंगे, बीच में थोड़ी थोड़ी गैपिंग रखते जाएंगे। जो साइड राउंड में कट किया था देखिए उसी साइड से लुप्स को भी अटैच किया। अब इसको इस तरीके से पलट के अंदर के साइड डालेंगे और ऊपर से सिलाई लगाते हुए स्टिच कर देंगे। ये देखिए दोनों डिज़ाइन बन चुकी है। अब लेस लेंगे, इसके ऊपर से लेस लगाते हुए इसको डेकोरेट कर देंगे। एक देखिए बन चुका है, दूसरा भी सेम ऐसे ही बना लेंगे। दोनों को बनाने के बाद इनको डोरियों के साथ में अटैच करेंगे। तो डोरी मैंने ले लिया है, डोरी के कॉर्नर से इनको सिलाई लगाते हुए अच्छे से स्टिच कर लेते हैं। ये डोरी कॉर्नर से मैंने डिज़ाइन को अटैच कर दिया, दूसरी डिज़ाइन भी सेम ऐसे डोरी कॉर्नर से अटैच कर देंगे। तो दोनों बन चुके, इनको साइड रख के अब ब्लाउज लेंगे, ब्लाउज के गले के ऊपर की साइड से 3 इंच छोड़ते हुए फिर इनको डोरियों को स्टिच कर लेंगे। डोरियों को टक करने के बाद मैंने देखिए अच्छे से ये डोरियों को बांध लिया है। तो मेरी ये ब्लाउज डिज़ाइन देखिए बिल्कुल कम्प्लीट है, बहुत ही ईजी डिज़ाइन थी और बहुत ही सिंपल है। अगर डिज़ाइन अच्छी भी दिख रही है, अगर आपको भी ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये डिज़ाइन कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा हम लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।